जेमिनी हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली रीडिंग में। यह है सितंबर 4, तो सितंबर 10th ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है उसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी पॉसिबिलिटीज है जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो कर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ गाइस, अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर जेमिनी साइन में है, मिथुन राशि में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। पहला कार्ड हमारा चक्रा विजडम ओरेकल डेक से इम्पार्शियलिटी। वाओ, तो ये लीब्रा की एनर्जी है, यहाँ पर तुला राशि की एनर्जी, यू नो, बैलेंस, चीजें जैसी हैं उन्हें वैसे ही दिखाना, शब्द जैसे बोलने चाहिए वैसे ही शब्द बोलना, ऐसा नहीं है कि मुंह पर कुछ मीठे शब्द और उसी शख्स की पीठ के पीछे बुरे शब्द बोलना, वैसी नहीं, यह है चीजों में बैलेंस लेकर आना। इस हफ्ते के दौरान इस चीज का ख्याल रखिए कि आप जिन लोगों के साथ भी कांटेक्ट में हैं, जिन लोगों के साथ भी आपकी बातचीत हो रही है, आपको ना वो क्लू मिल जाएगा कि ये शख्स सच्चा है या झूठा है, मतलब आपको क्लू मिलता रहेगा इस चीज का। पेंट है यहाँ पर, वाओ, तो जैसे रंग, अगर यू नो, मुझे पता कैसा एग्जाम्पल मिल रहा है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसने जैसे चेहरे पर जैसे कोई पेंट किया हो अपने, वो रंग तो कोई और दिखा रहा है लेकिन उस रंग के पीछे जैसे उसका चेहरा कोई और है, यू नो व्हाट आई मीन, जैसे वो चीज़ सामने आ सकती है आपके और वो बैलेंस क्रिएट करेगी। अगर आपका रिलेशनशिप है कोई और उसमें आपको बहुत कन्फ्यूजन होती रहती है कि हाँ, क्योंकि यहाँ ये जो फॉग है मुझे कन्फ्यूजन भी इससे समझ में आ रही है, तो अगर आपके रिलेशनशिप में कोई कंफ्यूजन है, आपको आप श्योर नहीं है कि हाँ ये शख्स आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है या आगे बढ़ना चाहता है, जो भी आपकी कंफ्यूजन का जो भी जरिया है ना, वो कंफ्यूजन भी इस हफ्ते में ठीक हो सकती है, आपको कोई ना कोई आंसर जरूर मिल जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं बता सकती कि वो पॉजिटिव आंसर होगा, आपके फेवर में होगा, या फिर वो नेगेटिव होगा, लेकिन वो आप उस कंफ्यूजन से बाहर निकल जाएंगे। इम्पार्शियलिटी, यू नो, तो ये बैलेंस को क्रिएट करने की और कह रहा है कि आपको बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है अपनी कॉन्वर्सेशंस में भी, अपने रिश्तों में भी, यू नो, बैलेंस। वाओ, यहाँ पर इसने नग पहने हुए हैं, स्टोन, मुझे एमेथिस्ट की एनर्जी मिल रही है। एमेथिस्ट का स्टोन है इंट्यूशन का, अपनी सिक्स सेंस को यूज़ कर अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, जो चीज़ें, जो सवाल आपके मन में आपको रोज़ काटते हैं ना, अपनी इंट्यूशन से उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करना, तो ये उसकी ओर भी इशारा करता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत इजिप्शियन एनर्जी है, यू नो, वो इजिप्शियन एनर्जी काफ़ी एंशियंट, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हम कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही पुराने ख्यालों का है, तो कुछ ऐसा, कुछ डीप बातें जिससे कि जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है ना, उसको इस्तेमाल कर खुद को, खुद के जो सवाल है उनका जवाब ढूंढना, वैसी एनर्जी है गाइस ये। और पीछे इसके लैम्प है, तो रोशनी, यू नो, लाइट, अगेन जो अंधेरा है उसमें रोशनी का आना, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, वो रिसोर्सेज जो हैं वो आपके लाइफ में अवेलेबल हैं। कुछ लोगों के लिए ये मेंटोर हो सकता है, कोई ऐसा दोस्त हो सकता है आपका जो आपको इस सिचुएशन में गाइड कर सकता है। ये लैम्प हेल्प की और भी इशारा करती है कि आपकी इन्वायरमेंट में कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपकी मदद कर सकता है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपका, द ग्रेट सर्विंग मार्स एनर्जी, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट सॉफ्टनिंग टू लव। वाओ, काफी लाल रंग, मंगल ग्रह जिसे कहते हैं, एंगर, गुस्सा, जैसे आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप चाहते हैं कि ये आंसर आपको मिल जाए। अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो आप चाहते हैं कि ये शख्स जो भी है ये सही सही बता दे कि इसे या तो रिलेशनशिप में रहना है तब भी बता दे, नहीं रहना है तो तब भी बता दे, ताकि आप कंफ्यूजन से बाहर निकल जाए। कॉन्फ्लिक्ट, तो इससे मुझे आर्गुमेंट्स की भी एनर्जी मिल रही है, हो सकता है कि आपकी संभावना है कि किसी के साथ आपकी आर्गुमेंट हो सकती है इस हफ्ते के दौरान। बट ये जो है ना सॉफ्टनिंग टू लव, इससे मुझे पता है क्या नजर आ रहा है मेरे विजन में, वो होते नहीं है जैसे कि आप बहुत गुस्से में हैं, मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, फिर अचानक से ना एक छोटा सा बेबी जो आपके घर का कोई भी बच्चा हो सकता है वो आपके पास आएगा और आपके गाल को चूमेगा और उससे क्या होगा कि जो आपका गुस्सा है वो एकदम ठंडा हो जाए, शीतल पड़ जाए, ठंडा हो जाए आपका स्वभाव। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को,
हो सकता है आर्गुमेंट्स हों, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ भी हो कि आप एक दूसरे को जल्दी शायद सॉरी भी कह देंगे, जिससे कि वो जो आर्गुमेंट जो बड़ा आकार ले सकता है ना, वो उसकी संभावना कम है, वो आप दोनों मिलकर उसको हल कर सकते हैं उस चीज़ को। सॉफ्टनिंग टू लव, अगेन मैं वही एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कोई बच्चा गाल को चूमे, जिससे कि आपका सारा का गुस्सा, जो आपका गुस्सा है ना, शांत हो जाए, ठंडा हो जाए आपका, तो वो उसकी और ये कार्ड जो है ध्यान दे रहा है मुझे। अगेन ऑनेस्टी, क्योंकि ये लीब्रा का कार्ड है, तो बैलेंस अगेन ऑनेस्टी के साथ आपको अपनी बातों को सामने रखना है। अपने पार्टनर से भी यही कहना कि देखिए ऑनेस्टी के साथ मुझे बता दीजिए आप क्या चाहते हैं, ताकि मैं उसी तरीके के साथ अपनी नई दिशा में आगे बढ़ सकूं। आप मुझे कन्फ्यूजन में मत रखिए, क्योंकि कन्फ्यूजन में रहने का कोई मतलब नहीं है, राइट? आपका जो टैरो कार्ड है वो देख लेते हैं। द एम्परर, फायर एनर्जी, गाइस, माय गॉड। तो एयर एनर्जी एंड फायर एनर्जी, एम्परर, फायर में लियो, सजिटेरियस, एरीज, लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ये भी हो सकते हैं ये साइन। एम्परर कार्ड, अगेन अथॉरिटी का कार्ड, अपने हक को बिना किसी डर के मांगना। ये जो एम्परर है, इसे किसी चीज़ का डर नहीं होता, इसे पता है इसकी अथॉरिटी क्या है, इसका इसे पता है ये कॉन्फिडेंट है, इसे पता है कि चीज़ें इसके हक में होंगी, क्योंकि इसका अहदा बड़ा है, राइट? तो अपनी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को सामने रखना, डरना नहीं है किसी चीज़ से। विजडम, अगेन वाइज, आप बुद्धिमान बहुत हैं, जेमिनाइज काफ़ी बुद्धिमान है, और ये स्प्लिट पर्सनैलिटी के लिए भी जाने जाते हैं, डबल पर्सनैलिटी, यू नो, तो जो कि अगेन उस चीज़ के बारे में, अपनी इस चतुराई का ना आप इस हफ्ते में इस्तेमाल कीजिए, ये जो गुण है ना आपके अंदर, उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। विजडम है, बुद्धि है आप में, तो उस चीज़ को इस्तेमाल करके अपने अपने जीवन में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। बहुत फायरी, फायरी जैसे फायरी क्लाइमैक्स हो किसी चीज़ का, यू नो, और वो टकरार हो, और आप भी कॉन्फिडेंट हैं, वो भी शख्स कॉन्फिडेंट है, और वो टकरार हो, लेकिन फिर आप दोनों में इतनी बुद्धि भी है कि आपको पता है कि आर्गुमेंट से कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए आप दोनों ठंडे भी हो जाएंगे जल्दी गुस्सा ठंडा हो जाएगा आपका। ऑरेकल कार्ड, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स, ओह माय गॉड, ऑल राइट। तो ये जैसे मैंने क्या कहा कि जैसे न्यू नई दिशा में आप जाना चाहते हैं, अगर ताकि आपको आप चाहते हैं कि इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल जाएं, ताकि आपको एक नई दिशा मिल जाए, तो ये जो है ना एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ये उसी की ओर इशारा कर रहा है कि कोई ना कोई ऐसी ज़रूर ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपको ट्रिगर करेगा इस हफ्ते के दौरान, कि आपको आपको पता चल जाएगा कि हाँ भी यही यही चीज़ है, अब मुझे आगे इस तरीके से बढ़ना है, मेरे जो आगे के कदम है वो इस तरीके से होने चाहिए। अगर आप किसी, मुझे ये सुना एकदम से, अगर आप दो लोगों के साथ बात कर रहे हैं लव रिलेशनशिप में, और आप श्योर नहीं है कि किस शख्स के साथ आप आगे बढ़ें, किस शख्स के साथ आपका रिलेशनशिप है जो आगे बढ़े, तो इस हफ्ते के दौरान वो क्लैरिटी आपको मिल सकती है कि आप एक शख्स को चूज करेंगे, एम्परर को। ये शख्स मेष राशि का हो सकता है, सिंह राशि का भी हो सकता है, लियो सजिटेरियस लियो सजिटेरियस एरीज, मुझे अक्वेरियस भी सुना, तो कुछ लोगों के लिए कुंभ राशि भी हो सकती है। ये जो भी शख्स है ना, आप इसके साथ फाइनली मूव ऑन, आप डिसाइड करेंगे कि हाँ इस शख्स के साथ मुझे आगे बढ़ना है, और ये एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज ना उसी की ओर इशारा कर रहा है। न्यू मून एक्लिप्स, तो न्यू मून की एनर्जी है, तो ये न्यू बिगिनिंग की ओर भी इशारा करता है। अगर अभी तक आप अटके हुए हैं, स्टक हैं किसी चीज़ में, बिजनेस को लेकर भी, करियर को लेकर भी, और स्पेशली रिलेशनशिप में, अगर आप बहुत स्टक महसूस करते हैं ना, आपको पता नहीं चल रहा कि ये शख्स आपका सोलमेट है, या आपका ये ट्विन फ्लेम है या नहीं, या फिर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, वही आज थोड़ी देर बात हो गई, फिर आपको पता नहीं है कि दोबारा इस शख्स के साथ बात होगी या नहीं, वो स्टेबिलिटी नहीं है जो आपकी रिलेशनशिप में, जो वो कन्फर्मेशन नहीं है कि हाँ ये आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, वो अगर नहीं है ना इस हफ्ते में, वो हो जाएगा, मुझे लग रहा है आपके लिए ये पॉसिबिलिटी मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रही है। अगेन मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रही, ये गाइडेंस है, तो इस बात को भी समझिएगा, ये पॉसिबिलिटी है आपके लिए, चीज़ें हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन कुछ भी सेट इन स्टोन नहीं होता। लेकिन अगर ये चीज़ें रेजोनेट हों आपके साथ, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ ये चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं आपके साथ। तो न्यू मून से न्यू बिगिनिंग गाइज, और वो जो फॉग है, वो जो धुंधलापन है, उसके
सूरज निकलने का जैसे समय है। ये देखिए कैसे ये जो धारा धारा से निकल रही है, ये रोशनी से निकल रही है, जैसे सूरज निकल रहा हो। यू नो रात के समय जैसे वो तड़का नहीं बोलते हम, जैसे जैसे चार या तीन चार पाँच बजे का जो टाइम होता है जब सूरज निकलना शुरू होता है, डॉन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो वैसी एनर्जी है ये। लास्ट कार्ड आपका, वाओ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, जेमिनी, कम ऑन। मैंने देखिए सूरज की बात की और यहाँ पर सूरज ही है, तो स्पिरिट उस चीज पर जैसे मोहर लगा रही है जो मैंने अभी कहा। अब यहाँ दिक्कत क्या है, देखिए आपको मैं एक दिक्कत बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी एनर्जी है ये, सूरज निकल रहा है ये, पर ये जो औरत है इसने अपनी आंखों पर जैसे अंधेरा, अपनी आंखों पर जैसे पट्टी बांधी है अपनी बाजू की हेल्प से। वो देखना ही नहीं चाहती जैसे सूरज को, वो जैसे क्लैरिटी चाहती ही नहीं है। वो चाहती है कि वो वैसे ही लिम्बो में रहे, वैसे ही वो कन्फ्यूजन रहे, उसे क्लैरिटी ना मिले। जैसे वैसी एनर्जी है, जैसे अगेन यहाँ पर ये दो हाथ हैं क्योंकि ऐसे, तो मुझे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसे आप दोनों ही अगर आप दो पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं तो जैसे आपको दोनों ही चाहिए। यू नो ऑफेंड मत होइएगा इस चीज़ से, लेकिन वैसी एनर्जी मिल रही है मुझे कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। और यह बैकग्राउंड में देखिए ये जो शिकारी है, ये भेड़िया जो है वो खरगोश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन गाइस, आप में से कुछ लोग एक अच्छे पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में है, कोई जो दूसरा पार्टनर है वो थोड़ा टॉक्सिक है, लेकिन आप शायद फंसा हुआ महसूस करते हैं उस शख्स के साथ और इसी वजह से आप सूरज जो उग रहा है उस सूरज को देख नहीं पा रहे आप। सूरज उग रहा है आपके लिए, ये रोशनी आ रही है, लेकिन अगर आप अपनी आंखों पर पट्टी ही बांध के रखेंगे, टू ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी में रहेंगे, तो आप मुझे बताइए यूनिवर्स भी आपकी कैसी हेल्प करेगा। रोशनी तभी आती है आपके घर के अंदर जब आप अपने दरवाजों को खोलें, जब अपनी खिड़कियों को खोलें। खिड़कियाँ बंद हों, दरवाजे बंद हों, तो रोशनी कैसे आए मुझे बताइए आप। तो फिर तो दिन में आपको लाइट ही ऑन करनी पड़ेगी ना, वो आर्टिफिशियल लाइट। ये है कि यह नेचुरल लाइट आपकी लाइफ में आना चाहती है। नेचुरल से मेरा मतलब क्या है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, और आर्टिफिशियल से क्या मतलब है मेरा, कार्मिक पार्टनर्स। अगर आप कार्मिक पार्टनर्स में के साथ स्टक रहना चाहते हैं तो फिर हम क्या करें भाई, तो फिर टैरो रीडिंग्स देखते ही क्यों हो, गाइडेंस चाहिए ना। तो गाइडेंस अगर मिल रही है तो अगर उसे फॉलो नहीं करोगे तो फिर क्यों देखते हो टैरो रीडिंग्स को, मुझे तो यही नहीं समझ आता। बहुत सारे लोग तो सिर्फ क्योंकि उन्हें एडिक्शन है टैरो रीडिंग्स की इसीलिए देखते हैं, वो फॉलो कुछ नहीं करते गाइडेंस को। अगर आप भी वैसे हैं ना तो फॉर गॉड सेक गाइस, अभी कान खींचूं मैं, मेरा मन ऐसा कर रहा है आपके लिए, तो ऐसा मत कीजिए। सूरज उग रहा है, इनको हटाइए ताकि आप सूरज की किरणों को देख सकें, सोलमेट ट्विन फ्लेम पार्टनरशिप में आप जा सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है ये। ये एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है ना, ये पॉसिबिलिटी है आपके लिए कि आप अपने सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं। लेकिन अगर ये ऐसी ही हालत रही आपकी तो फिर तो कार्मिक रिलेशनशिप में ही रहोगे, तो Excuse me, तो फिर उसका क्या फ़ायदा है आप बताइए मुझे। ये जो बैलेंस क्रिएट करना चाहती है यूनिवर्स आपकी लाइफ में, वो तभी होगा सोने बाबू, सुनो मेरी बात को, तब जब आप इस रोशनी को अपनी लाइफ में आने की इजाज़त देंगे। अगर नहीं दोगे तो फिर तो बेड़ा गर्क ही है, तो मैं और क्या कहूँ आपसे। ठीक है, ये खरगोश से मुझे इनोसेंस भी मिल रही है, जैसे मासूमियत को कोई आपके दाग लगाने की कोशिश कर सकता है, उससे भी थोड़ा सा सावधान रहिए। लोगों को अपना फ़ायदा उठाने मत दीजिए। पावरफुल है ये एम्परर, बहुत पावरफुल है, अपनी ऊर्जा को पहचानिए। और ये देखिए धूप भी निकल आई, बाकी रीडिंग्स में नहीं थी, आपकी रीडिंग में धूप भी निकल आई है देखिए। तो सूरज आना चाहता है, सूरज आपकी लाइफ में आना चाहता है, अगेन उसे आने दीजिए अपनी लाइफ में। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने ये रीडिंग देखी है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।